किसान संघर्ष समिति व किसान मंच के तत्वाधान में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में धरना शुरू कर दिया। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। धरनारत किसान नेता विनोडा का, कुलदीप सहारण, प्रकाश ममेरा, कई किसानों ने मांग की कि नहरी खालों को नए सिरे से बनाया जाए, वहीं टूटे हुए खालों की मुरम्मत की जाए, खालों में लगाई गई 20 सालों की समयावधि हटाई जाए, साल 2017 और 18 का कुछ गांवों का बीमा क्लेम बाकी है, उसे तुरंत दिलवाया जाए। इसके अतिरिक्त एलनाबाद रानिया को डार्क जोन से मुक्त किया जाए, पराली जलाने पर भी दर्ज किए गए मुकदमे रद्द किए जाए व पराली का किसानों को मुआवजा दिया जाए। हम आए हैं जी, किसानों की चार पांच मुख्य समस्याएं हैं, उनको सरकार को प्रशासन को अवगत करवा के हमारी मांगे प्रशासन को सरकार को मुख्यमंत्री तक कृषि मंत्री तक पहुंचा के हमारी मांगे हल करवाने के लिए आए हैं, हमारी मांगे हमारी समस्याएं दूर करवाने के लिए आए हैं। हमारी मुख्य मांगे जो खाड़ बिल्कुल फूटे हुए हैं और उन खाड़ों को दोबारा बनाया जाए, और सरकार ने एक नियम बना रखा है अभी 20 साल तक नया खाड़ नहीं बनेगा या उस खाड़ की कोई ग्रांट नहीं आएगी, जबकि आप देखते हो मकान भी 2-3 फुट तक नीचे से ख़त्म हो जाता है, चाहे शहर में है चाहे गांव में है, साल या 2 साल बाद भी ख़त्म हो जाता है और साल या 2 साल बाद ही उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। हर जो व्यापारी है दुकानदार है वो अपनी करता है 2-3 साल बाद मरम्मत, लेकिन किसानों के खाड़ों की ऊंचाई तो 2-3 फुट ही होती है और वो मिट्टी में भी होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कई जगह ईंटें खराब आ जाती है, कई भट्ठों का पानी खराब होता है, कई जगह खेतों का पानी खराब होता है और सीमेंट भी पुरानी और ऐसी आ जाती है, लेकिन ऐसा तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि 20 साल तक कोई खाड़ चल जाए। ये मैं नहीं मानता था, कितना भी अच्छी तरह से बना दो, क्योंकि जो खाड़ 2-3 फुट ऊंचाई तक होते हैं, इतनी ऊंचाई पर कोई भी मकान होता है वो भी 2-3 फुट तक तो खराब होता है 2 या 3-4 साल में। ये अवधि घटाकर 10 साल की जाए और उससे भी नीचे जो खराब है उनकी सर्वे करवाकर उनको सबको ठीक करवाया जाए, सभी खाड़ ठीक करवाया जाए। नहीं जी, अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी या सरकार हमारे से बैठ के इन मांगों पर बढ़िया तरीके से वार्तालाप नहीं करेगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।